आज हम बैसाखी का त्यौहार WPO की तरफ से यहाँ मनाने आए हैं। आज 2 साल के बाद ये मौका मिला है हमें, ताकि हम फिर अपनी बिरादरी, हम अपने WPO मेंबर्स के साथ में मिलके एक फेस्टिव सीज़न शुरू करें। WPO इन्होंने बोल तो दिया है, पर WPO का मतलब है वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन। एक ये वर्ल्ड में कम से कम 16-17 जगह हमारे अलग अलग संस्था के रीजन्स हैं हमारे। और आज के जो हमारे मेहमान आ रहे हैं, एक्चुअली एंटी टेररिस्ट के जो दिल्ली के चीफ हैं मिस्टर MS बिट्टा जी हैं, दूसरा कांग्रेस के जो संजय निरुपम जी हैं, चरण सिंह सापरा जी हैं, और एड मैन जिसको हम लोग कहते हैं प्रहलाद कक्कड़ जी, वो खुद आ रहे हैं, बिंदु दारा सिंह है, मुकेश जोशी हैं, बड़े बड़े और दूसरे अलग अलग कलाकार हैं जो आते आते जाएंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में? इस शो के बारे में भी नवाजा जाएगा लोगों को। चाहे वैसाखी का त्यौहार, फार्मर्स का हार्वेस्ट का त्यौहार है, यहाँ पे डांस नाच होता है, पर एक्चुअली ये एक सिख साधना दिवस है, जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने एक फाउंडेशन ले डाउन की थी सिखों की, और सिखों को एक रिकॉग्नाइजेशन दी थी। इसके लिए ये रिकॉग्नाइजेशन जब मिली थी, ये 5K के साथ मिली, जो आपको सबको पता है, कंघा, कड़ा, कच्छा, कृपाण, सारे 5 ये जो K दिए गए थे सारे, ये सिखों को दिया गया, एक आइडेंटिफिकेशन सिखों को मिली थी। इसके लिए इसको हम सिख साधना दिवस कहा जाता है, और सिखों और पंजाबियों ने इसको एक वैसाखी को एक बड़े पैमाने में, आपको नज़र आया होगा, ये हार्वेस्टिंग की वजह से डांस होते हैं और हमारे सिखों की वजह से भांगड़े हो जाते हैं। बस अभी ऐसा है तो जैसे जैसे कोविड खुला है, हम लोग फंक्शन रखेंगे, काफ़ी हद तक रखना है फंक्शन, क्योंकि काफ़ी काम पेंडिंग है जो कोविड की वजह से पूरा नहीं हुआ, और अभी हम लोग ने काफ़ी काम करना बाकी है, तो ऐसा ऐसा स्लोली करेंगे। और आज जैसे वैसाखी स्टार्ट किया है, ऐसे दूसरे प्रोग्राम भी स्टार्ट करेंगे, जैसे ऐसे खुला है ऐसे ऐसे दूसरे प्रोग्राम भी स्टार्ट करने हैं। WPO के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? WPO जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली वी हैड स्टार्टेड एंड आर पायलट प्रोजेक्ट वॉज टू लुक आफ्टर दी ओल्ड एज होम, वो हमारा एक प्रोजेक्ट जो मेन है। उसके अलावा हमने डे केयर सेंटर स्टार्ट किया था फॉर एल्डरली पीपल, जिसमें कि वो आके अपना डे स्पेंड कर सकते हैं, एंड उनको खाना पीना एवरीथिंग वॉज प्रोवाइडेड। ये कोविड की वजह से थोड़ा दिन बढ़ गई, तो नाउ वी आर अगेन गोइंग टू रीस्टार्ट। उसके अलावा WPO में हम अभी काफ़ी कुछ करने वाले हैं, जैसे कि मेडिकल प्रोजेक्ट्स हैं, मेडिकल कैंप्स करने वाले हैं अलग अलग जगह पे, तो WPO की प्लानिंग है टू यू नो रीच आउट टू दी टू दी पुअर एंड दी नीडी पीपल। सर आपका परिचय? बंटी हो रहा। बंटी क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में, जो म्यूजिकल नाइट है? सर हमने म्यूजिकल नाइट आज ऑर्गेनाइज की है, सब कुछ खुलते ही जा रहा है, तो गेट एवरीवन टुगेदर अगेन, सब लाइवली करें, सब कुछ, काफ़ी पीछे टाइम खराब देखा है सब ने, तो एक वैसाखी का त्यौहार है, यहाँ से शुरुआत हो जाएगी, और सब हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, जितने हमारी बिरादरी है, सब हमारे साथ जुड़ेंगे, सब शुरुआत से जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेन मोटो इस सोशल सर्विस, जितना हो सके जितना प्रोजेक्ट्स हम करेंगे गेट टुगेदर फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, टू हेल्प द सोसाइटी, टू हेल्प द पुअर, टू हेल्प द ओल्ड एज पीपल। बेसिकली इट इज़ यूनियन ऑफ पीपल, इसी माने सब भाई परिवार मिल जाते हैं, सब मिल जाते हैं, भाईचारा हो जाता है, तो वी वांट टू स्प्रेड वेलनेस एंड ब्रदरहुड, वननेस एंड ब्रदरहुड। दूसरी बात है, जो मेंबर नहीं है उनको भी मेंबर बनाएंगे, उनको भी साथ में जोड़ेंगे, ताकि वो भी फैमिली टू ग्रो, फैमिली ग्रो, ये WPO को जैसे जैसे इनको बढ़ाएंगे साथ में और भी मेंबर जोड़ के उनके साथ दिन रहेंगे। आज दस्ताना जी को लेकर आए, हम सब देखेंगे लाइव, और आई थिंक यहाँ से दस्ताना जी भी रॉक कर रहे हैं, पंजाबियों ने बॉम्बे में दस्ताना जी को लाइव बहुत जोर से देखा नहीं है, आज देख लेंगे। वैसे टीवी बाजी मुझे स्टेज पे लेके आए थे फर्स्ट शो, तो ऐसा होता है, टीवी बाजी हम सबकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जब बुलाते हैं हमारे। वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन के सभी रिस्पेक्टेड मेम्बर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे बड़े वीर जी टिम्मी मेहता साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इतना अच्छा मंच मुझे दिया। बैसाखी की शाम है, एडवांस में ही मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ बैसाखी की, और आज खालसा साजना दिवस है, जिवें सारे कहते आप कि खालसा पंथ की अज नींव रखी गई सी, सो
ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਖੂਬ ਰਚ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਮਨੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਜੋ ਆਡੀਅੰਸ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਤੀ ਹੈ ਹਮ ਉਸਕੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚਲਤੇ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਪਰ ਜਾਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਆਡੀਅੰਸ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਆ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚਲੇਂਗੇ। ਗਾਏਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਗਾਏਂਗੇ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਛ ਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਅਭੀ ਭਈਆ ਨੇ ਬੋਲਾ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਭੀ ਨਾ ਲੈਣੇ ਕਾ ਔਰੋਂ ਕੋ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਕਾ। चन्नी जी के चन्नी जी के साथ मेरा लगभग 4 या 5 सालों से लग रहा था और हमने कहा कि मौका बनेगा, हम 100% वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन में आपको लाएंगे। और बड़ा प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर आज ये इनका हम इंट्रोडक्शन इसलिए करना चाहते हैं और क्योंकि शादियाँ वहाँ में जितने लोग हैं आज ये इनको लेंगे। इनका आज परफॉर्मेंस से काफ़ी फैमिली को पता लगे कि चन्नी मस्ताना है। कि वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग यंगस्टर, we want these young pop singers and cultural people to spread the voice of Punjabiyat and create a world more togetherness, and that is what World Punjabi organizes. Punjabiyan di shaan hai, Punjabiyan di shaan hai, vekh den lok jidron bhi lang jaan, jidron bhi lang jaane, ਉਹ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਨਚਾਣ ਗੱਭਰੂ ਨੀ ਨਚਾਣ ਗੱਭਰੂ। 1, 2, 3, 4 ਚੱਕਦੇ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀ, ਮਜ਼ਲੂਮੋਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕੇ ਲੀਏ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕੇ ਲੀਏ, ਔਰ ਆਜ ਕਾ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਜੋ ਮਜ਼ਲੂਮੋਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੌਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤਪੋ ਜਪੋ ਸੇ ਸਜੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਨਕੋ ਇਸ ਦਿਨ ਕੋ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਨਾਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਕਲੀ ਹੈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜੋ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕੋ ਵਿਸਾਖੀ ਕੇ ਦਿਨ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੋ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈਓ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਥੀ। ਵੋ ਵੀ ਦਿਨ ਹਮਾਰੇ ਲੀਏ ਵੋ ਦਿਨ ਥਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਓ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋਂ ਕੀ ਜ਼ੰਜੀਰੋਂ ਸੇ ਛੁਡਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪੰਜਾਬੀਓ ਕਾ ਅਲੱਗ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਾ ਥਾ। ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਹੋ, ਭੂਕੰਪ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਆਤੀ ਹੈ ਸਭ ਸੇ ਆਗੇ ਰਹਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਕੇ ਅਹੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਹੂਜਾ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਪਰਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਤ ਆਤੀ ਹੈ, ਟਿੰਮੀ ਜੀ, ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਕਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੀ ਸੇਵਾ।